बहुत ही हेल्दी और हम सबका जो कॉमन देसी ड्रिंक है, जो गर्मियों में अमृत के नाम से जाना जाता है, जो शरीर को एकदम तरोताजगी से भरपूर कर देता है, आज हम उसी ड्रिंक को अपने किचन के अंदर ट्राई करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्खन वाली मसाला छाछ। बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी सी छाछ बनी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, पूरा वीडियो देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और एकदम टेस्टी सी बनी है। और इसे अगर आप एक बार बना कर पियेंगे तो बार बार इस टेस्ट को एंजॉय करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं हम मक्खन वाली मसाला छाछ। इस छाछ को बनाने के लिए हमने ये फ्रेश दही लिया है एक बाउल, और ये काला नमक लिया है आधा चम्मच। आधा चम्मच हम इसके अंदर सादा नमक लेंगे, और थोड़ा सा हमने जीरे को भूनकर और पीस लिया है बारीक। ये थोड़ा सा हम इसके अंदर पुदीना, फ्रेश वाला पुदीना लेंगे, और ये धनिया पत्ती है, और इसको हम स्पाइसी टेस्ट देने के लिए हरी मिर्ची का यूज़ करेंगे। आप थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप दो हरी मिर्ची ले सकते हैं, ये मैंने एक हरी मिर्ची ली है। तो हम इन सब चीज़ों को मिक्सर के एक जार के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर दही को डालेंगे। काला नमक और सादा नमक हम इसके अंदर डाल देते हैं, और जीरा पाउडर हम थोड़ा सा बचा लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें पुदीना पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा धनिया पत्ती और हरी मिर्ची डालेंगे इसके अंदर। और अब हम इसके अंदर आधा ग्लास पानी डालेंगे और फिर हम मिक्सी को चला लेते हैं एक बार। पानी हम बिल्कुल भी ठंडा और गर्म नहीं लेंगे, और रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ पानी इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब मिक्सी को हम चला लेते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, तो इसके अंदर हम बहुत ही ठंडा ठंडा बनाने के लिए इसमें हम आइस का यूज़ करेंगे। तो खूब सारी आइस हमने इसके अंदर डाली है। और स्पेशल इसको टेस्ट देने के लिए हम इसके अंदर अमूल वाला बटर डालेंगे। अगर आपके पास अमूल वाला बटर नहीं है तो आप इसके अंदर फ्रेश 2 चम्मच मलाई डाल सकते हैं। तो छाछ हमारी बन के तैयार हो गई है। तो इसके ऊपर जो मक्खन है उसको हम अलग कटोरी के अंदर निकाल लेते हैं। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी सी है। सारा मक्खन हमने निकाल लिया है और अब ग्लास के अंदर सर्व कर देते हैं हम। और जो मक्खन हमने निकाला था वो हम सबसे लास्ट में इसके ऊपर डाल देंगे, और इसके साथ ही हम इसमें पुदीना पत्ती और धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे, और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे इसके ऊपर। तो बन के रेडी हो गई हमारी बहुत ही टेस्टी और एकदम हेल्दी सी मक्खन वाली मसाला छाछ। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।